हेलो फ्रेंड्स, आज फिर मैं आप लोगों के सामने आई हूँ। संजू बॉबी किचन एंड ब्लॉग्स में आप लोगों का फिर से स्वागत है। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ भिंडी दो प्याजा। उम्मीद करती हूँ कि हमारा ये रेसिपी आप लोगों को पसंद आएगा, और अगर पसंद आए तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, और अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ शेयर भी जरूर करिएगा हमारे चैनल को। तो देर नहीं करते हैं, चलते हैं किचन में, बनाते हैं भिंडी दो प्याजा। आज मैं बनाने जा रही हूँ भिंडी दो प्याजा। तो भिंडी दो प्याजा बनाने के लिए मैं भिंडी ली हूँ, इसको बड़े बड़े साइज में इस तरह से मैं धो करके काट ली हूँ, और प्याज इस तरह से प्याज भी बड़ा साइज में दो काटी हूँ। दो प्याज इस तरह से काटी हूँ और एक प्याज को छोटे साइज में काटी हूँ, और चार पांच मिर्ची ली हूँ। कढ़ाई हमारा गर्म हो चुका है, मैं कढ़ाई को रख दी थी, इसमें तेल डाल दी हूँ। अब मैं भिंडी को फ्राई करूंगी। भिंडी को दो से तीन मिनट तक मुझे फ्राई करना है, इसको ज्यादा नहीं करना है फ्राई। भिंडी को फ्राई करके मैं निकाल ली, लगभग इसको फ्राई करने में दो से तीन मिनट मुझे लगा। अब मैं इसी कढ़ाई में ये वाला प्याज को जो बड़े साइज में काटी हूँ, ये प्याज को मैं फ्राई करूंगी। इस प्याज को भी मैं एक से दो मिनट तक फ्राई की, बस इसका कच्चापन को दूर की, डीप फ्राई नहीं करना है। तो मैं फ्राई करके निकाल दी। अब मैं कढ़ाई रख दी हूँ, गरम हो चुका है, उसमें सरसों का तेल लगभग एक टेबल स्पून डाले हूँ। अब इसमें जाएगा जीरा, थोड़ी सी अजवाइन, अजवाइन जरूरी होता है भिंडी दो प्याजा में, और हरी वाली मिर्ची, और बारीक कटा हुआ प्याज, सभी को फ्राई करूंगी मैं। अब इसमें जाएगा एक टमाटर का पेस्ट और लहसुन अदरक का एक चम्मच पेस्ट, ये सभी को फ्राई करना है। फ्राई ज्यादा नहीं करना है, थोड़े देर के लिए मैं फ्राई करूंगी, लगभग एक मिनट। एक मिनट तक मसाले को फ्राई करने के बाद अब इसमें जाएगा टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक थोड़ी सी, और हाफ टेबल स्पून हल्दी, और थोड़ा सा आमचूर पाउडर, हाफ टेबल स्पून लाल मिर्ची पाउडर, और हाफ टेबल स्पून गरम मसाला। सारे प्याज और मसाला टमाटर को फ्राई करने के बाद देखिए हमारा इस कुछ इस तरह का दिखेगा। देखिए तो अब इसमें जाएगा फ्राई किया हुआ भिंडी, और जो बड़े साइज में मैं प्याज को फ्राई करके रखी थी वो भी इसी में जाएगा। ये मसाले और भिंडी को मिक्स कर दी मैं, साथ में फ्राई किया हुआ प्याज भी डाल दी हूँ, तो सभी कुछ मिक्स हो चुका है। अब इसको पकने में लगभग पांच मिनट लगेगा। देखिए हमारा भिंडी दो प्याजा कितना यम्मी दिख रहा है। पांच मिनट होते ही मैं चेक कर रही हूँ हमारा सब्जी जो है वो पका या नहीं। तो देखिए हमारा भिंडी दो प्याजा पक करके तैयार हो गया है। अब मैं गैस का फ्लेम को बंद कर रही हूँ और सर्व करके आप लोगों को दिखाती हूँ। हमारा भिंडी दो प्याजा बन करके तैयार है, मैं सर्व भी कर दी हूँ, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं। तो हमारा ये रेसिपी आप लोगों को अगर अच्छा लगे तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।